हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलका स्पेशल किचन में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल आलू के हलवे की रेसिपी। नवरात्रि के फास्ट के लिए मैंने आलू के हलवे की रेसिपी बनाई है। तो फ्रेंड्स, आइए झटपट बना लेते हैं आलू के हलवे की रेसिपी। आलू को हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो आलू लिए हैं। अब चलिए इसको हम कुकर में उबाल लेते हैं। अब इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। अब इसको मैं ढक देती हूँ। और इसको मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ। और आलूओं में हम 6 सीटी लगाएंगे जिससे हमारे आलू वो अच्छे से गल जाए, फिर हमारा हलवा है वो अच्छा बनेगा। तो आइए 5 सीटी लगा लेते हैं। हमारे आलू है वो बॉयल हो चुके हैं। अब चलिए आलू को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे आलूओं को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने आलूओं को बाहर निकाल लिए हैं। अब चलिए इनको हम छील लेते हैं। ये देखिए, मैंने सभी आलू को छील लिया है। अब चलिए इसको मिक्सर की सहायता से मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर की सहायता से सारे आलू को मैश कर लिया है। अब चलिए फटाफट बना लेते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाला है। अब इसके अंदर मैं आलू को डाल देती हूँ। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब चलिए इसके अंदर मैं आलू को डालूंगी। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मैंने सारे आलू को डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैं 5 मिनट के लिए घी में ही भूनूंगी। तो आलू को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। मैंने यहाँ 1 किलो आलू लिए, तो चीनी मैं यहाँ 400 ग्राम लूंगी। आप मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसको मैं इसी तरह चलाऊंगी 5 मिनट तक, जब तक हमारी चीनी है वो अच्छे से पिघल नहीं जाए। मुझे कंटिन्यू चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और ये हमारा आलू का हलवा है वो बन के तैयार है। आइए अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आलू के हलवे को गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। और ऊपर से मैंने काजू बादाम डाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाया गया आलू का हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती है न्यू रेसिपी के साथ। जय माता दी।